सेहत से जुड़ी इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड हेल्थ। आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त निशा भाटोरिया। और दोस्तों, प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आजकल के भागदौड़ वाले ज़माने में तनाव जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या फिर वो युवा, हर किसी को किसी न किसी बात का स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है, और यही वजह बनती है मेंटल हेल्थ के ख़राब होने की। और हम सभी जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का सही रहना भी ज़रूरी है। तो आज इसी विषय पर विस्तार से हम बात करेंगे। प्रोग्राम में इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं एफिनिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर, जानी मानी मनोचिकित्सक और काउंसलर डॉक्टर नीना विजयवर्गीय। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैम स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। तो मैम, प्रोग्राम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगी कि जब मानसिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है किसी व्यक्ति का, तो कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और क्या उनके लक्षण होते हैं? जो मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, तो जो बीमारियाँ होती है, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहती हूँ कुछ बीमारियों के नाम और उनके लक्षण। बिल्कुल। पहली बीमारी जो मोस्ट कॉमन इलनेस है वो है डिप्रेशन, जी। जो हर चार में से एक इंसान को पाई जाती है। डिप्रेशन के लक्षण होते हैं जैसे मन उदास रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, मज़ा नहीं आना, खुशी का एहसास नहीं हो पाना, किसी को नींद ज़्यादा, किसी को नींद कम आती है, भूख में कमी हो जाती है या भूख बढ़ जाती है, तनाव महसूस करना, इसके अलावा ओवरथिंकिंग, विचार बढ़ जाते हैं, और जब ये सब चीज़ें कई बार बढ़ जाती है तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन और सुसाइड तक के विचार आने लगते हैं। ऐसी एक दूसरी मानसिक बीमारी है जिसका नाम है एंजाइटी, जो कि हर आठ में से एक इंसान को होती है, जिसमें घबराहट होना, बेचैनी होना, खुद की धड़कन खुद को महसूस होना, कभी कभी सांस लेने में जोर लगाना पड़ना, जिसकी वजह से कई बार लोगों को लगता है कि अस्थमा की दिक्कत है या कईयों को लगता है हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी है। पर जो एंजाइटी अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, वो ब्रेन से आते हैं, पर मोस्टली क्योंकि फिजिकल साइन आते हैं कि चेस्ट में हैवीनेस हो जाती है, छाती में दर्द होने लगता है, तो लोगों को लगता है कि ये एक हार्ट की बीमारी है। पर एंजाइटी, जिसमें कईयों को ठंडा गर्म महसूस होता है, अजीब अजीब सी सेंसेशन होती है, तो इसे कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। ऐसी एक बीमारी होती है तीसरा मानसिक बीमारी जिसको हम डिस्कस करेंगे, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें एक ही तरह के विचार बार 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 आते हैं। ये विचार अनवांटेड होते हैं, अनप्लेजरेबल होते हैं और अनस्टॉपेबल होते हैं, रोकने पे रुकते नहीं है, बेवजह बार बार आते हैं। जैसे किसी को हाथ धोने का विचार आ रहा है बार बार, नहाने का कि मैं गंदा हूँ, मुझे और ज़्यादा नहाना है, और ज़्यादा हाथ धोने हैं, या किसी को विचार आता है कि मैंने ताला नहीं लगाया, ताला चेक करूँ, वो बार बार ताला चेक करता है, बार बार गैस चेक करता है, या चीज़ों, हाँ वो क्योंकि उसे बार बार डाउट क्रिएट होता है कि मैंने वो काम नहीं किया है, चीज़ों को लाइन में जमाने का विचार, किसी को सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, किसी को रिलीजियस थॉट आते हैं, किसी को ये विचार आता है कहीं मेरे घर वालों को कुछ नुकसान ना हो जाए, पर ये विचार रोकने पर रुकते नहीं हैं और जब भी आते हैं बहुत तकलीफ होती है। इस बीमारी को कहते हैं OCD। ऐसी एक बीमारी है मेनिया, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर का पार्ट होता है। मेनिया में इंसान में बहुत एनर्जी आ जाती है, वो कम सो के भी दिन भर एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा खुशी, कोई कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगता है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत बड़े बड़े ख्याल, बहुत ज़्यादा बोलना, चीज़ें अत्यधिक हो जाती है, अति में हो जाती है, होने लगती है। जैसे डिप्रेशन में सब लो होता है, मेनिया में सब बढ़ जाता है। ऐसी एक बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है अपने समाज में, नशा, किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल, दारू का नशा, अफीम, गांजा, और ये नशा छोटे बच्चों से लेके, बड़ों से लेके, बूढ़ों तक लेके सब में है। तो नशे की बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि हर दूसरे तीसरे घर में देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से घर का वातावरण भी खराब होता है, बच्चों पे भी गलत असर पड़ता है, और इंसान अपना पैसा, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पे रख के भी खुद को नुकसान पहुँचाता है। पर नशा मुक्ति भी साइकेट्री के अंदर आती है, और लोगों को समझना चाहिए कि नशे को छुड़ाने का भी इलाज संभव है। बिल्कुल। तीसरी दूसरी जो मानसिक बीमारी, अगली जो हम बात करेंगे वो है सरदर्द की बीमारी। कई तरह के सरदर्द होते हैं, किसी को माइग्रेन हेडेक होता है, किसी को क्लस्टर हेडेक होता है, किसी को दौरा पड़ने के बाद दर्द होता है, तो बहुत सारे तरह टेंशन हेडेक होता है कि इतना स्ट्रेस लेते हैं कि उनके सर में दर्द बना रहता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने पे ही होता है। दौरा पड़ना, मिर्गी का दौरा पड़ना, ये भी मानसिक स्वास्थ्य में आता है। नींद की समस्या बहुत कॉमन है, आपको हर दूसरे तीसरे घर में दिखेगी, किसी को नींद बहुत ज़्यादा आती है,
किसी को बहुत कम आती है, हर एज ग्रुप में ये देखने को मिलती है। किसी को लेट जाते हैं पर दो दो तीन तीन घंटे तक नींद नहीं आती है, किसी को नींद बहुत जल्दी आ जाती है पर फटाफट से खुल जाती है, आधी रात में खुल जाती है, उसके बाद वो कोशिश करते रहते हैं पर नींद नहीं आती। क्वालिटी स्लीप नहीं, क्वालिटी स्लीप जो 7-8 घंटे की होनी चाहिए वो नहीं ले पाते। और जो गाँव में सबसे ज़्यादा भ्रांति जिस मानसिक बीमारी के बारे में फैली हुई है वो है शिजोफ्रेनिया, जिसको लोग बहुत बोलते हैं भूत प्रेत की बीमारी, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि इस बीमारी में मरीज के लक्षण होते हैं कि बहकी बहकी बातें करने लगता है, बहका बहका व्यवहार करने लगता है, शक करने लगता है कि दो लोग बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मुझे देख रहे हैं, तो ये होती है शिजोफ्रेनिया की बीमारी। तो वो ऐसे रिलीजियस प्लेस ले जाएंगे या टोना टोटका समझ के उनका इलाज कराते हैं, बल्कि वो एक तरह की मानसिक बीमारियाँ हैं। बीमारियों में ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे शरीर में बदलाव होते हैं वैसे ही दिमाग भी शरीर का हिस्सा, उसमें बदलाव होते हैं जिसके चलते ये मानसिकताएं बदलती हैं और ये बीमारियां होती हैं। बच्चों में भी मानसिक बीमारियां होती हैं जैसे ADHD, ऑटिज्म, बुद्धि की कमी, बिहेवियरल इश्यूज, जिसको माँ बाप समझ नहीं पाते हैं। कईयों को लगता है हमारा बच्चा बदमाश है, कईयों को लगता है पढ़ना नहीं चाहता, कईयों को लगता है तो मस्ती खो रहे, टीचर्स भी नहीं समझ पाते, बल्कि बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी से जूझ रहे होते हैं और बच्चे तो बता भी नहीं पाते कि हम तकलीफ में, या समझ भी नहीं पाते कि हमें इश्यूज हैं। तो ये सारी कुछ मानसिक बीमारियां हैं और उनके लक्षण हैं। जी, तो मैम बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस किस तरह की मानसिक बीमारियां होती है, तो लक्षण भी आपने बताए हैं, तो आसानी रहेगी पहचानने में। इसके अलावा ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो इन बीमारियों का? जब भी मरीज आता है अपनी तकलीफ लेके, सबसे पहले हम उसका क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके लक्षण सुनते हैं कि वो कब से परेशान है, क्या परेशानी है, किन किन तकलीफ़ों से, किन किन विचारों से वो सबसे ज़्यादा परेशान है, उसके रिश्तेदार से बात करते हैं, उससे बात करते हैं। उसके बाद जो भी उसकी प्रोबेबल डायग्नोसिस बनती है उसके बेसिस पे हम उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, जिस पे उसकी सीवियरिटी का पता चलता है कि अगर डिप्रेशन के लक्षण है तो डिप्रेशन कितने परसेंट है, मॉडरेट है, सीवियर है, एंजाइटी कितनी है, शिजोफ्रेनिया है नहीं है। कुछ उसके बायोलॉजिकल असेसमेंट्स करते हैं, कुछ कंप्यूटर के टेस्ट कराते हैं जिसमें उसका स्ट्रेस लेवल पता चलता है, और उसके बाद वापस उससे बातचीत करके बीमारी का लेवल देख के उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि उसको किन दवाइयों की ज़रूरत है, किन डोजेस में ज़रूरत है, और उसके अलावा कितनी थेरेपीज़ की ज़रूरत है, वो हम सब डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, तो बीमारी डायग्नोस करके उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो बात करें एफिनिटी हॉस्पिटल की, तो एफिनिटी हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनके लिए, वो चाहे OPD के पेशेंट हो या जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट होते हैं, किस किस तरह की फैसिलिटीज़ है उनके लिए यहाँ पर? जब भी पेशेंट आता है अगर वो एडमिसिबल होता है हम उसे एडमिट करते हैं। एडमिट पेशेंट्स को हम इंजेक्शंस के थ्रू या जो भी, क्योंकि उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसमें एडमिट किया जाता है। तो हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, मेडिसिंस हैं, थेरेपीज हैं, इंजेक्शंस हैं, और शॉक थेरेपी जिसे बोलते हैं, जो कि शॉक थेरेपी नहीं ECT होता है, जो कि आजकल काफ़ी एडवांस हो चुके हैं और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बीमारी को फटाफट से लेवल डाउन करने में। तो ये सब सुविधाएं हैं। जो भी एफिनिटी हॉस्पिटल में आता है पेशेंट, उसको हम एडमिट होता है जो पेशेंट, उसको हम सुबह शाम फ्री में काउंसलिंग्स और थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मानसिकताएं और विचार ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस पर हम फोकस करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर नर्सिंग केयर की जाती है, प्रॉपर बातचीत की जाती है मरीज से, सुबह शाम उनके राउंड होते हैं ताकि उनकी बीमारी को कम किया जा सके। और तो मैम मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में, कई सारी गलत फहमियाँ हैं। तो लोगों को जब ये लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो कोई डिप्रेस अगर व्यक्ति, तो कि ये हमेशा रोता रहता है, हमेशा परेशान रहता है, या कुछ किसी के बारे में पता लगता है कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहा है, तो एक जनरल टेंडेंसी होती है कि साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, यानी कि व्यक्ति पागल हो गया है या उस तरफ उसके लक्षण जा रहे हैं। तो क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ सब समझ जाते हैं शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को लोग समझते नहीं हैं, आते नहीं हैं, और स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, और तो जो करना भी मुश्किल होता बहुत मुश्किल होता है। तो भ्रांतियाँ बहुत सारी समाज में फैली हुई है। कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करूँगी। गाँव में या कई लोगों में ये है कि भूत प्रेत की बीमारियाँ होती है। कोई भूत प्रेत की बीमारियाँ नहीं होती हैं। जैसे शारीरिक बीमारी होती है, रसायन बदलते हैं, बीमारी हो जाती है BP, शुगर, थायराइड, वैसे ही ब्रेन में भी जब रसायन बदलते हैं तो मानसिक बीमारियां होती हैं।
कई लोगों को लगता है ये तो सोच की वजह से हो रही है, सोच बदलेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मलेरिया होने से मच्छर नहीं काटता। बीमारी के होने की वजह से सोच बदलती है, सोच बदलने की वजह से बीमारी नहीं होती है। कई लोग ये मानते हैं कि ये तो कमजोर लोगों को होती है, ऐसा नहीं होता। अगर मच्छर मुझे काटेगा तो मुझे डेंगू होगा, आप लोगों को काटेगा तो आपको डेंगू होगा, इसमें किसी की कमजोरी का कोई लेना देना नहीं। तो मानसिक बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। कईयों को भ्रांति होती है कि दवा बंद नहीं होती, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम ये कि अपने समाज में लोग बराबर समय पे दिखाते नहीं, जो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, परमानेंट हो जाती है, डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब दिखाते हैं, तो उस वजह से बीमारी लंबे समय तक चल हो जाती है, तो दवा लंबे समय तक चलती है। पर अगर आप सही समय पर जल्दी दिखाएंगे तो दवा भी जल्दी ही बंद हो जाती है। कईयों को लगता है कि साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक सिर्फ नींद की दवा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। मनोचिकित्सक नशा छुड़ाने के डॉक्टर होते हैं, नशा लगाने के डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं होते। कई मरीजों में ब्रेन बहुत एक्टिव होता है या उसे शांत करने की ज़रूरत होती है शुरुआती दिनों में, या वो सोए नहीं होते लंबे टाइम तक, इसलिए उन्हें नींद की दवा देनी पड़ती है। कई लोग बहुत गलत सोचते हैं कि तो पागलपन के डॉक्टर होते हैं या पागलपन की बीमारियां होती हैं, ऐसा नहीं होता। 400 तरह की मानसिक बीमारी होती है, उसमें से मात्र 1% ऐसी बीमारी है जिसको समाज पागलपन कहता है। हम तो उसे भी पागलपन नहीं कहते क्योंकि वो तो मानसिक केमिकल चेंज की वजह से है, तो इट्स नॉट अ पागलपन। पर बाकी कई बीमारियां हैं जिसमें नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल लगता है इंसान। जब हर चौथे इंसान को मानसिक बीमारी है तो ऑब्वियस ही बात है हर कोई चौथा इंसान तो पागल नहीं होता। तो ये बीमारी पागलपन बिल्कुल भी नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कुछ ना कुछ लक्षण तो सब में मिल जाते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ तो सब में होती है। सबके शरीर का तापमान है पर वो बढ़ गया तो बुखार है, बीपी सब में है बढ़ गया तो बीपी का दिक्कत है, शुगर सब में बढ़ गया तो डायबिटीज़ है। तो बीमारी के बढ़ने और घटने को, चीज़ों के बढ़ने और घटने को बीमारी कहते हैं। तो हम प्रॉपर स्केल्स अप्लाई करते हैं, पूरा असेसमेंट करते हैं, सिर्फ एक लक्षण के बेसिस पे हम उसे बीमार नहीं मानते हैं। जब सब रिपोर्ट्स पे वो बीमार आता है तो ही हम उसकी दवा गोली शुरू करते हैं। कईयों को लगता है कि ये बीमारियाँ बचपन में नहीं होती है, छोटे बच्चों को नहीं होती, पर 10 में से हर एक बच्चे को मानसिक बीमारी है, चाहे वो ADHD हो, ऑटिज्म हो, बुद्धि की कमी हो, बिहेवियरल इश्यूज हो, बिस्तर में पेशाब करना, अलग अलग उम्र में हम कह सकते हैं, अलग अलग तरीके से हर उम्र में मानसिक बीमारी होती है। हर तरह की बीमारी पाई जा सकती है हर उम्र में, उल्टा कई मानसिक बीमारियाँ तो बचपन से ही शुरू हो जाती है जो कि पता बाद में चलता है। कईयों को लगता है सुसाइड की बातें करना नॉर्मल है, पर नहीं। जब भी कोई इंसान अगर सुसाइड की धमकी दे रहा है या सुसाइड के लक्षण दिख रहे हैं, हर धमकी को, हर लक्षण को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जो भी सुसाइड की बात कर रहा है उसमें से 90% लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं, और वो कब सुसाइड कर ले हमें पता नहीं चलता, और उसके बाद तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो सुसाइड की बात करने वाला नॉर्मल नहीं है, हमें उसे सीरियसली लेना ही चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि इलाज को इग्नोर करना चाहिए, मानसिक बीमारियों का इलाज नहीं लेना चाहिए, नहीं तो जीवन भर चलता है, पर ऐसा नहीं है। जैसे हम शारीरिक बीमारियों में सोचते हैं कि इलाज फटाफट से लें ताकि हम जल्द ही ठीक हो जाएं, उसी तरीके से मानसिक बीमारी में भी हम फटाफट से दिखाएं ताकि जल्दी ही ठीक हो जाएं, पूरे ही ठीक हो जाएं। यूं नहीं कि हम वेट करते रहें और अपने आप ठीक हो जाएं, अपने आप कभी कोई भी, यस, कोई भी बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं मानसिक रोगियों से दूर रहें, बल्कि ऐसा नहीं है। मानसिक रोगी को तो एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपको एज मच एज पॉसिबल इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल फीलिंग्स और पॉजिटिव शब्दों की ज़रूरत है, उसके साथ रहने की ज़रूरत है। कई लोगों को लगता है कि दवा दे दी तो जीवन भर छूटेगी नहीं, पर साइकियाट्री की जो दवा है, मानसिक बीमारियों की जो दवा है, वो ज़रूरत की दवा है, आदत की दवा नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो वो दवा लंबे समय तक चलेगी, और जैसे आपकी ज़रूरत पूरी होगी आप नॉर्मल हो जाएंगे और दवा बंद हो जाती है। और डॉक्टर मैम, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया क्या क्या मिसकंसेप्शन है लोगों को मेंटल हेल्थ को लेकर के, और बात जब आती है अवेयरनेस की तो खुद आप एक साइकाइट्रिस्ट है तो किस तरह से आप लोगों को अवेयर करती है, और क्या आपकी तरफ से मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप लोग जागरूकता बढ़ाएं, मानसिक स्वास्थ्य को समझें, उसके बिगड़ने पे क्या लक्षण होते हैं और क्या बीमारियां होती हैं उसको समझें। समझने के बाद एक्सेप्टेंस क्रिएट करें, माने कि हमें बीमारी है। जब तक नहीं मानेंगे तब तक इलाज के लिए नहीं आएंगे और पेशेंट ठीक नहीं होगा। मानने के बाद ये स्टिग्मा दूर करें, भ्रांतियां दूर करें कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना, दिमाग भी शरीर का हिस्सा है, उसको भी ठीक होने का हक है। अगर वो बीमार हुआ है तो उसका भी प्रॉपर इलाज होना चाहिए, अपने आप नहीं ठीक होगा। और आप डॉक्टर के पास आएं, दिखाएं, ज़रूरत हो दवा गोली लें, ज़रूरत हो थेरेपी लें, जो भी आपका साइकियाट्रिस्ट आपको सजेस्ट करता है लें। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है तो आप आएं, पेशेंट को भर्ती कराएं, उसका भर्ती करा के इलाज कराएं ताकि वो ठीक हो सके। मरीज को घर पे रखकर उसकी बीमारी ना बढ़ाएं, उसे और तकलीफ़ ना दें, उसे और क्रिटिसाइज़ ना करें।
कि तू जानबूझ के कर रहा है, तुम जानबूझ के बार बार ये चीजें करते हो, क्योंकि कई लोग मानसिक बीमारी को समझ नहीं पाते तो पेशेंट को ब्लेम करते रहते हैं। ऐसे में पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, पेशेंस की और सहानुभूति की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये बीमारियां बाहर से नहीं दिखती है, अंदर से होती है। तो इसमें बैठ के बात करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो बिल्कुल मैम, बहुत बेहतरीन तरीके से आज आपने इस टॉपिक को हमारे दर्शकों के लिए बताया और समझाया, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जो सब बातें बताई है उससे हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आज हमारे साथ बात कर रही थी जानी मानी साइकाइट्रिस्ट और काउंसलर डॉक्टर नीना विजयवर्गीय। और दोस्तों, जैसा कि मैम ने कहा कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, तो हमारे समाज में इस बात का एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है कि आम जो शरीर की बीमारियाँ होती है, दूसरी जो बीमारियाँ हैं उन्हीं की तरह से मानसिक बीमारी है और ये इलाज नहीं है, इसका इलाज संभव। तो हम एसटीएन के माध्यम से बस यही कहेंगे कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखिए और आप सेहतमंद रह सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में कि अगर कोई इस तरह के लक्षण वाला व्यक्ति आपको दिखता है तो उनका पूरा पूरा आप साथ दें, उनकी बात को ध्यान से सुने, उनसे प्यार से पेश आए, तो काफ़ी हद तक आप मदद कर सकते हैं उन लोगों की जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। और इसी के साथ प्रोग्राम गुड हेल्थ से इजाज़त दीजिए। निशा को नमस्कार।